आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स में पानी देते वक्त हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिस वजह से प्लांट्स की पत्तियां वो सूखने लगती हैं और धीरे धीरे प्लांट मर जाता है। इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो को बनाने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शारिक कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्मिनेशन टीवी। पॉइंट नंबर वन, टाइमिंग। टाइमिंग में हमें ध्यान रखना है कि आप पानी जो है वो सुबह में दें या शाम को दें। सुबह के वक्त आप 7 से 8 बजे के बीच में पानी दें और शाम को आप 5 से 6 बजे के बीच में पानी दें। और अगर आप दोपहर में पानी देते हैं तो आपकी जो पत्तियां हैं प्लांट्स की वो इस तरीके से झुलस सकती हैं, इसलिए हमें सुबह या शाम दोनों में से एक वक्त पानी देना है। पॉइंट नंबर सेकेंड, ओवर वाटरिंग। पौधों को पानी ज़्यादा देना ही ओवर वाटरिंग हो जाता है। कुछ लोग जो होते हैं वो डेली बेसिस पे पानी देना शुरू कर देते हैं, इस वजह से प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सड़ जाती हैं और उन तक एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता। इसका पता हमें यानी कि पानी कैसे देना है उसका पता हमें कैसे लगाना है कि जो पॉट है उसकी जो सॉइल है उस सॉइल मॉइस्चर को हमें देख करके पता लगाना है कि अगर आपके हाथ में जो मिट्टी है यानी सॉइल जो है वो अगर चिपक रही है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट है तो आपको पानी नहीं देना है। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है होता तो आप पानी देंगे। पॉइंट नंबर थर्ड जो है हमारा ड्रेनेज होल है। ये ड्रेनेज होल अगर हम इस पॉट में नहीं बनाएंगे तो इसमें जो पानी है वो एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल नहीं पाएगा और ये जो पानी है वो इसमें जमा रहेगा, इसलिए ड्रेनेज होल बनाना काफ़ी ज़रूरी है। इस पॉट के सबसे नीचे वाले भाग में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इसमें ड्रेनेज होल बनाएं जिससे एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकले। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। पहली ये है कि आप अपने घर में अगर नया प्लांट लाते हैं तो उसके लिए सॉइल मिक्सचर का यूज़ ज़रूर करें। सॉइल मिक्सचर में आपको 4 बातों का ध्यान रखना है, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, गार्डन सॉइल और सैंड, इन 4 चीज़ों को आपको यूज़ करना है। और सेकेंड बात यह है कि आप अपने घर में जो प्लांट्स हैं उन्हें डिवाइड कर दें पानी देने के अकॉर्डिंग, कि जो प्लांट्स कम पानी में ग्रो हो जाते हैं उन्हें आप अलग कर दें और ऐसे प्लांट जो ज़्यादा पानी में ग्रो होते हैं उन्हें अलग कर दें। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।